नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। अब किसान भी पारंपरिक खेतों को छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे किसानों की पैदावार अधिक तो हुई ही है, साथ ही मुनाफा भी बढ़ गया है। सरकार भी बागवानी को बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी दे रही है। एक ऐसी ही मुनाफे वाली खबर लेकर आए हैं। एक फसल है ड्रैगन फ्रूट, जो सामान्यतः ठंडे जलवायु वाले राज्यों में उगता है, लेकिन अब ये मैदानी इलाकों में भी लगाई जा रही है। बिहार में इस फसल की लोकप्रियता बढ़ी है और बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार एकीकृत बागवानी योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट की फसल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी देती है। सरकार ने इस फसल के लिए एक हेक्टेयर के लिए फसल लागत 1,25,000 रुपये तय की है। यानी एक हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट लगाने पर राज्य सरकार किसानों को 50,000 रुपये की सब्सिडी देती है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी या आवेदन करने के लिए आपको बिहार सरकार के उद्यान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। खास बात यह है कि इसके लिए ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है। एक साल में अगर 50 सेंटीमीटर बारिश और 20 से 30 डिग्री के तापमान में ड्रैगन फ्रूट की फसल आसानी से हो जाती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें तो इसके लिए 5.5 से लेकर 7 पीएच तक की होना चाहिए, यानी 5.5 से 7 पीएच तक की होनी चाहिए मिट्टी की आपकी गुणवत्ता इस फसल के लिए। एक सीजन में ड्रैगन फ्रूट 3 बार फल देता है, जबकि एक पौधे में तकरीबन 50 फल उगते हैं। देश भर में हजारों किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती करके लाखों रुपये कमा रहे हैं। अगर आप भी कमाना चाहते हैं तो जल्दी से दिए गए वेबसाइट पर जाएँ और ड्रैगन फ्रूट उगाएं। अभी के इस खास पेशकश में इतना ही। दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।